दिस इज इजी साइंस चैनल। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम मधुमेह के बारे में जानेंगे। मधुमेह एक पूरी तरह से लाइलाज बीमारी है। अंग्रेज में एक कहावत है, वंस डायबिटीज इज ऑलवेज डायबिटीज। आधुनिक आहार जैसे कि बिस्किट, स्नैक्स, गेहूँ, चावल और उच्च कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ मधुमेह का कारण बन सकता है। हमारे द्वारा ली जाने वाली गोलियां केवल डॉक्टरों द्वारा निर्धारित समय पर ली जानी चाहिए। मधुमेह में जब वृद्धि होता है तब गोलियां नहीं ले सकते। गोलियां लेने पर भी हमारे शरीर में वसा घुल जाती है और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। गोलियां लेने पर भी हम जो भी खाते हैं उसके आधार पर मधुमेह बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब फंक्शन में जाना, लंच करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, सहकर्मियों के साथ खाना, तो क्या करना अगर मधुमेह बढ़ जाए तो? हमारे टिप का पालन करें और समय समय पर अपने शुगर को नियंत्रित में रखें। मधुमेह क्यों होता है, क्यों बढ़े, चलो पता करते हैं। इसका दो कारण है। पहला कारण यह है, मानव शरीर में अग्न्याशय के शिथिलता के कारण इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए मधुमेह आता है। दूसरा कारण, मधुमेह अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन शरीर को अवशेषित नहीं होने के कारण होता है। एक एक बार नहीं करने पर भी मधुमेह नियंत्रण में नहीं होता है। मन में चिड़चिड़ापन, पीड़ा और गुस्सा होने पर भी मधुमेह बढ़ जाती है। जैसे जैसे मधुमेह बढ़ती है वैसे वैसे चिड़चिड़ापन, पीड़ा, गुस्सा और बढ़ता है। जब मधुमेह बढ़ गई तो तब दवाएं नहीं ली जा सकता है, मधुमेह को कम नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज वाले सभी को उच्च रक्तचाप भी आता है, कई अन्य जटिलताओं का सामना करता है। डॉक्टरों के पास जाने पर मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए दवा की खुराक बढ़ा दी जाती है। जैसा जैसा दवाएं बढ़ जाता है शरीर अधिक से अधिक रोगग्रस्त हो जाता है, पैसे का खर्च बढ़ जाती है, मानसिक रूप उदास होता है। जैसे जैसे मानसिक रूप से उदास होते जाते हैं वैसे वैसे मधुमेह बढ़ती जाती है। टिप के लिए आवश्यक सामग्री। पहले वाला, हल्दी चूर्ण। हल्दी भोजन के पाचन में मदद करती है, जिससे अपच दूर करने में मदद मिलती है। हल्दी पाउडर शरीर में वसा की कोशिकाओं को वृद्धि को कम करने में मदद कर सकती है। हल्दी के स्वास्थ्य लाभों में से यह चक्री यौगिक कर्कमिन, जो अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से जोड़ों की सूजन को दूर करने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद कर्कमिन बैक्टीरिया की सर्दी, खांसी और गले जलन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। रक्त शर्करा के स्तर को कम करके मधुमेह के लिए भी लाभदायक पाई गई है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव मधुमेह के रोगियों के उपचार में उपयोगी होता है। यह दिमाग के लिए अच्छा भोजन माना जाता है और अल्जीमर जैसी बीमारियों को दूर कर सकता है। दूसरे वाला, आंवला पाउडर। आंवला में बैक्टीरिया को और फंगस से लड़ने की क्षमता होती है और ये बाहरी बीमारियों से भी हमें बचाती है। आंवला शरीर को पुष्ट कर उसे रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
और टॉक्सिन को हमारे शरीर से निकाल देती है। आंवला के सेवन से हड्डियां मजबूत और ताकत मिलता है। आंवला में क्रोमियम तत्व पाया जाता है जो डायबिटिक की उपयोगी होता है। आंवला इंसुलिन हार्मोन्स को सुदृढ़ करता है और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक कैन में 200 ग्राम आंवला चूर्ण और 100 ग्राम हल्दी चूर्ण मिलाकर स्टोर करें। इसे कभी भी एक चम्मच की दर से दिन में कितनी भी बार खाया जा सकता है। इसे हमारे खाद्य पदार्थ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शाम को 2 चम्मच मिश्रण को 1 गिलास पानी या 1 गिलास बीर में भिगा दो और अगले दिन सुबह पी लें। इससे मधुमेह नियंत्रण में रहती है। सप्ताह में केवल 2 बार करना चाहिए। दिस इज इजी साइंस चैनल। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ वी नीड एनी हेल्थ एंड एजुकेशनल वीडियोस टेल अस ऑन कमेंट सेक्शन।